फिर वो बड़े होते होते ढोडा स्वीट हो गया एंड अब इट्स काजू कतली. काजू कतली इज़ माई फेवरेट. हाई, आई एम सोनाक्षी बत्रा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली बाइट्स. मेरी तरफ से टेली बाइट्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अ वेरी हैप्पी दिवाली. सोनाक्षी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी दिवाली आ रही है, ठीक है, तो दिवाली किस तरीके से अगर आप सेलिब्रेट करती हो, अगर हम कहना चाहें, किस तरीके से आपका प्लान होता है, किस तरीके से प्लानिंग होती है और आपके घर में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है बचपन से अगर आप देख रही हो? दिवाली पे आई थिंक सबके घर में वही होता है, सुबह पूजा होती है. आई थिंक उठ के सबसे पहले हम मेरी मम्मी तो भगा देती है एकदम कि नहाओ क्योंकि आज दिवाली का दिन है. भगवान को थोड़ा हम पूछते हैं और उसके बाद घर को डेकोरेट करते हैं. घर की सफाइयाँ हो चुकी होती हैं, फूल आते हैं बहुत सारे, उसके साथ हम डेकोरेट करते हैं जो हमारा दरवाज़ा है और बैल्कनी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. फ्लोटिंग कैंडल्स होती हैं, बहुत सारे कॉर्नर्स को फूल और दियों से डेकोरेट करके जो हमारे यहाँ पर फिर पूजा होती है ना शाम में, उसके लिए हम प्रेपरेशंस करते हैं. फल आते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं और उसके बाद हम दोस्तों के साथ में बैठते हैं. तंबोला नाइट होती है, कार्ड गेम्स होते हैं, डिनर होता है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ. तो इट्स अ ग्रैंड फेस्टिवल फॉर इंडियंस, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस ऑल्सो, बट इट्स अ ग्रैंड फेस्टिवल फॉर ऑल ऑफ अस लाइक इंडियंस. तो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है. जैसे कि आप टीवी एक्टर हैं, हमें छुट्टी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इस बार कैसे आपको छुट्टी मिली है सेट से, क्योंकि शो अभी अभी रिलीज हुआ है, तो छुट्टी दिया है आपको या मतलब अपने दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए? दिवाली को हम सेलिब्रेट यहीं कर रहे हैं एंड हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर बहुत दिनों तक आई थिंक हम सेलिब्रेट करते रहेंगे दिवाली, क्योंकि दिवाली का भी सीक्वेंस है तो वो भी सेलिब्रेशन साथ साथ चलता रहेगा कुछ दिनों तक. और अगर बात करूँ घर में, अगर जैसे आपने कहा मिठाइयाँ फल, तो कुछ पर्टिकुलर ऐसी मिठाई जो आपको बहुत पसंद हो और आप मतलब काजू कतली. आई थिंक पहले बूंदी का लड्डू होता था, फिर वो बड़े होते होते ढोडा स्वीट हो गया एंड अब इट्स काजू कतली. काजू कतली इज़ माई फेवरेट. और क्रैकर्स भी चलाते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर लोग अवॉइड भी करते हैं क्योंकि उससे हार्म भी होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. क्या कहना चाहिए उससे रिलेटेड? बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी नहीं जलाए क्रैकर्स. आई थिंक बस थोड़ा सा मन रखने के लिए या कुछ करने के लिए फुलझड़ी जला ली तो जला ली, बट आई थिंक वो बड़े होते होते वो भी कैंसिल आउट हो गया. एंड हमेशा से मम्मी पापा इस बात पे जोर देते थे कि यू नो क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए. हमारे स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता था, तो कभी ऐसा मन नहीं किया क्रैकर्स जलाने का. एंड आई थिंक जलाने भी नहीं चाहिए. आई थिंक जितना हो सके अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करें, फल खाएं, बहुत सारी मिठाइयाँ खाएं, गेम्स खेलें, दिए जलाएं, लाइट जलाएं, दैट्स ऑल, एंड पूजा करें. लास्टली क्या मैसेज देंगी अपने फैंस को, एक ऐसा त्यौहार जो मतलब खुशियों को लाता है, जो हमारी दुश्मनी भी होती है वो भी प्यार में बदल जाती है, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? दुश्मनी तो मुझे लगता है थ्रू आउट द ईयर किसी से रखनी नहीं चाहिए. दिवाली की स्पिरिट को लेके रखना चाहिए एंड जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करिए, बहुत सारे दिए जलाइए और अपने लव्ड वंस के साथ जितना समय हो सके उतना समय बिताइए. हाई, आई एम सोनाक्षी बत्रा एंड यू वॉचिंग मी ऑन टेली बाइट्स. मेरी तरफ से टेली बाइट्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अ वेरी हैप्पी दिवाली. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.